हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। और आज हम लोग ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट बनाने वाले हैं। और ये जो है ये मैंने बनाया है यहाँ से, ये मेरे पास पार्ट था और मैंने इसको मेजर करके इसकी डायमेंशन निकाल के ये बना लिया है। और इसका फर्स्ट जो ऊपर वाला पार्ट था वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, वो मैं पहले ही बना चुका हूँ किस तरीके से बनेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसे। तो एक ये नई फाइल मैंने ओपन कर ली है और टॉप वाला प्लेन लेके मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। रेक्टेंगल ले लेंगे और सेंटर रेक्टेंगल लेके, एक सेंटर रेक्टेंगल मैंने लिया ऊपर वाला, 106 और 104 मुझे चाहिए। तो डायमेंशन कर देते हैं इसकी 104 107। क्लोज और इधर से फिलेट है और फिलेट है 26 का। ये वही वैल्यू है जो ऊपर वाले पार्ट को जो हमने बनाने के लिए यूज़ करी थी। ओके, यहाँ से इसे फिनिश करते हैं और एक्सट्रूड करेंगे कनेक्टेड कर को, और रिवर्स साइड कर देता हूँ और इसे आप 0 कर दीजिए। और नीचे की तरफ चाहिए मुझे 44, और यहाँ पे मुझे ड्राफ्ट चाहिए 5 डिग्री का और ओके। और नीचे की तरफ भी फिलेट है तो एज फिलेट लेंगे और क्लिक, और यहाँ पे रेडियस 20 का ओके। इस तरीके से आ गया है। अब इसे हम कर देते हैं यहाँ से शेल, शेल में 1 की थिकनेस और ओके। तो नीचे वाला पोर्शन जो है ये आ गया है। अब इस वाले फेस पे जाएंगे, नीचे वाला ये जो बॉटम का है इस पर, यहाँ पे भी रेक्टेंगल नीचे की तरफ एक शेप बनी हुई है, शायद इसमें आपको दिखाई दे जाए। नीचे की तरफ ये जो रेक्टेंगल है बेस, इसको नीचे रखने के लिए वो रेक्टेंगल है ये, तो इसको मैंने लिया। और इन दोनों लाइन को मैं इक्वल कर देता हूँ और इसकी डायमेंशन है 50, इसको आप 50 कर दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ ये रख ओके। और अगर चाहते हैं तो हल्का सा 1 का आप यहाँ पे ये रेडियस यहाँ पे भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ हम वहाँ पे भी लगा सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप देख लीजिएगा। और इसे एक्सट्रूड करते हैं हम, और इसको हमें करना पड़ेगा ऑफसेट, और ऑफसेट टू साइड, और टू साइड में नहीं लेके बल्कि सिमेट्रिकल कर देता हूँ। और 0.5 ये 2 का है सॉरी, तो ये 1 का रहेगा, 1 आउटसाइड 1 इनसाइड, और हाइट है इसकी 1 की, और यूनाइट होना चाहिए इस बॉडी के साथ ओके। okay? स्केच में हाइट कर दिया तो ये वाला शेप मेरे पास आ गया। अब इसे ऊपर से ठीक करते हैं, यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद ये मैंने बना दिया, ये बना दिया ऊपर का, ये वाला चाहिए मुझे एक्स्ट्रा वाला। तो यहाँ से स्केच करेंगे और जो फर्स्ट प्लेन था उसी पे ही जाएंगे, और ऑफसेट ले लीजिएगा यहाँ से, और ऑफसेट है 3 का, 3 का ऑफसेट लेके ओके। और प्रोजेक्ट करा देते हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट भी ले लीजिएगा, और ये वाला कर्व मैंने प्रोजेक्ट भी करा दिया फिनिश। अब हम क्या करेंगे, ये आपको बार बार काम आएगा क्योंकि ये सीट होती है जिस पर पहला ऊपर वाला ढक्कन आके लगेगा, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको आगे भी काम आएगा और बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। तो मैंने इसे क्लिक किया और थिकनेस इसके ऊपर जा रही है, मैंने रिवर्स कर दिया, नीचे की तरफ हो गया 1, और इसे आप नन रखिए अभी, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सिंपल ओके। अब दोबारा से जाएंगे यहाँ से एक्सट्रूड में, और जो अंदर वाला था ये वाला कर्व इसे सिलेक्ट किया और इसे रिवर्स करेंगे, और इसे करूँगा मैं सबस्ट्रेक्ट और इसमें से, और यहाँ पे ड्राफ्ट, ड्राफ्ट भी मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा 5 का और ओके। आप देखिए कटा हुआ है, अभी ये दोनों आपस में ज्वाइन नहीं है, इन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो अभी या फिर बाद में, जैसा भी आपको लगता है आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास अभी ओके ऊपर का रखा है, इसके ऊपर आके लग जाएगा। अब हम ये साइड का बनाएंगे इधर वाला, तो इसके लिए आप फ्रंट वाला प्लेन ले लीजिएगा ओके, और यहाँ से क्लिक थोड़ा सा स्ट्रेट जाना है, फिर यहाँ से एक आर्क है
हो गई, और इसकी अब डायमेंशन करनी है 15 का रेडियस, और ये जो है 0 मैच हो जाएगा, और ये 5 आ रहा है, बेसिकली ये 5 का ही है ये वाला गैप। ये गैप मुझे ऊपर से मिलेगा कहीं से, ये वाला पूरा, ये 6 है, टोटल 6 है अंदर वाले से, तो 3 आएगा ये, 3 कर लीजिए, और ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है दोनों को हॉरिजॉन्टली अलाइन। ओके, कुछ इस तरीके से आ गया, और फिर ये नीचे से हल्का रेडियस और भी है, और इसको आप हल्का सा ले लीजिए, इसकी डायमेंशन एज सच कुछ खास दी हुई नहीं है, शेप है हल्की सी, तो उसकी डायमेंशन मैं नहीं ले रहा हूँ, जस्ट हल्का सा रेडियस है, और इसे करते हैं फिनिश, और इसे करेंगे एक्सट्रूड, ये वाला है, और 26 का हाफ हो जाएगा 13, असिमेट्रिक, और इसे नन करेंगे ऑफसेट में, टू साइडेड और माइनस 1 और ओके ओके, इस तरीके से आगे शेप। अब हम करेंगे इसको टॉप वाले प्लेन पे जाके, एक सर्कल ले लेते हैं, और सर्किल को किसी पॉइंट से मत लीजिएगा, सिंपल ऐसे ही रखेंगे ये, और ये दोनों लाइन अभी आपको शो नहीं करेगा, पर आप इसे 26 का ले लीजिएगा, और इससे टेंजेंट मैच करा दिया। अब लाइन ले लेते हैं यहाँ से, और हल्का सा ऊपर का भी है, ये देखिए ये वाला भी एक आर्क है, तो इस आर्क को भी लेते हैं, और मैंने क्या किया इसको लेने के लिए, ये पॉइंट दोनों को वर्टिकली अलाइन, और बीच का ये वाला जो गैप है ये थोड़ा सा है, तो इसको मैं कर देता हूँ 8 क्लोज, और लाइन लेते हैं, आप अंदर तक ले लीजिएगा तभी आप इसे ट्रिम कर पाएंगे, नहीं तो ट्रिम नहीं हो पाएगा। तो ये सब मैंने हटा दिया, और प्रोफाइल से ट्रिम, ओके ये वाला पोर्शन मैं कट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसे बना लिया, और इसे कर देते हैं एक्सट्रूड में कट, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस बॉडी, ओके इस स्केच को कर दीजिए हाइड, इस स्केच को हाइड कर दीजिए, और यहाँ पे हल्का सा मुझे रेडियस लगाना पड़ेगा 1, और 0.5, और क्लोज, ओके ये स्पीकर यहाँ पे बन गया है, और यहाँ पे मुझे कुछ चाहिए, आप ऊपर का ये वाला जो है वो उसके नीचे चला गया है, उसके लिए अब स्केच में जाते हैं, और इस वाले फेस पे, और एक रेक्टेंगल को बनाना है यहाँ पे, रेक्टेंगल ले लीजिए या लाइन भी ले सकते हैं, तो लाइन ही ले लेता हूँ, लाइन से बनेगा भी ठीक और आपको समझ में भी अच्छा आ जाएगा। इसकी डायमेंशन कर देते हैं, ये है 9 का, यहाँ पे इसके नीचे चला गया है, इस वजह से शो नहीं हो रहा, और इसकी डायमेंशन जो है वो इस वाले से ये वाली, ये कुछ है 40 और 30, और इसको हमें लेना है ये पॉइंट
दोनों को हजम किया जाएगा। फिनिश करेंगे, एक्सट्रूड करिए और ये जो है नन रखेंगे, रिवर्स करिए, इससे करता हूँ अंटिल एक्सटेंडेड। और ऊपर से कितना चाहिए, ऊपर से आप देखेंगे ये जो है इसकी हाइट है 3 है, तो 3 यहाँ से 15 है, 3 ये वैल्यू है कैलकुलेट करनी है, तो ये लिखा हूँ 3 15। ओके सो 15 यहाँ तक है, ऊपर से 12 हमने छोड़ दिया, तो ये हाइट इसके अंदर चली जाएगी प्लस 1, तो सब करेंगे ये है। और यहाँ से आप ले जाइए ऑफसेट सिमेट्रिक, और 2 है तो 1, ये ठीक बात है। और ओके ये डिस्टेंस मुझे एक बार चेक करनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर अभी गिवन नहीं है, तो एक बार देखना पड़ेगा कितना है ये। ओके करते हैं अभी तो फिलहाल में इसे, और इसे मैं कर देता हूँ यूनाइट विद दिस और ओके, और स्केच को 14 की जगह 15 ले लेता हूँ मैं, फिनिश। अभी तो 15 लिया है, एक बार मैं चेक कर लूँगा। और फिर यहाँ से जाते हैं और 1 का राउंड, ओके, और चाहते हैं तो 0.5 का हल्का सा आप यहाँ पर राउंड देखिए। ओके ये मेरा एक साइड का बन गया है, अब मुझे ये ही सेम चीज़ अपोजिट साइड भी चाहिए, और यहाँ पे भी मुझे एक हल्का सा कट चाहिए। इसको हाइड करिए, इसको भी हाइड किया, इसको भी हाइड करेंगे, और यहाँ पे मुझे एक हल्का सा कट चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको यूनाइट करना पड़ेगा इसे और मिरर भी। तो हम इसे करते हैं पहले मिरर, यहाँ से जाइए और ये मिरर जो है ये इसके अंदर है, मैं इसे बाहर लेके आऊँगा बाद में, और जो भी मिरर करना है वो सब सिलेक्ट कर लेते हैं। और अबाउट प्लेन, ओके सेकंड साइड पे आ गया है, यूनाइट अप्लाई, ओके और यहाँ पे मुझे एक हल्की सी लाइन देनी पड़ेगी ताकि ये जो जगह है ये बेंड हो सके। ओके तो ये हल्का से यहाँ पे कट होना, तो एक लाइन यहाँ पे मैंने ले ली, और इधर भी ले लीजिए या फिर दोबारा से बना लीजिएगा, दोबारा से मिरर कर देंगे इसे, नो प्रॉब्लम। तो इसे जाते हैं एक्सट्रूड, इसे मैंने क्लिक किया और 0 माइनस 0.5, और इसे मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा, और यहाँ से लेंगे ये 2 साइडेड और ये 0.25 और ओके। आप सब्सट्रैक्ट रखेंगे रिव्यू, और ये ना इसके अंदर जा रहा है, ये भी देखिएगा ना, तो सिमेट्रिकल नहीं होना है, 2 साइड रखेंगे, एक साइड 0 माइनस और ओके। ओके तो देखिए यहाँ पर हल्का सा ये कट आ गया है, तो इसे क्या हुआ, इसे बैंड करने में हमें हल्की से सालेंगे आप कर रहे हैं, तो यहाँ से इधर इधर बैंड करेंगे तो बैंड हो जाएगा आसानी से, ठीक है। और इसी को मैं सेकंड साइड भी मिरर कर देता हूँ, ओके तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसको अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आप कोई भी कलर यहाँ पे असाइन कर सकते हैं जो भी आपको लगता है। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का हमारा ट्यूटोरियल, और चैनल अगर आपको प्रॉपरली समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नए ट्यूटोरियल्स आप।